मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मादापुर में गैस गोदाम से डकैती मामले में 5 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से कैश और हथियार भी बरामद किया गया है। हालांकि 4 शातिर अपराधी भागने में सफल रहे, जिसको लेकर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 8 से 10 अपराधी सक्रिय मधुबनी फोरलाइन पर बड़ी लूटपाट वाले जगह को चयनित कर वहां पर लूट योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर एसएसपी नगर अवधेश सरोज दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए वहां से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वही पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया है कि 9 सितंबर को खबरा फोरलाइन के समीप मादापुर में हुए गैस गोदाम से लूटपाट में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बड़े जो गिरोह है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह जो है इसमें 8-10 व्यक्ति हैं, जिसमें से कुछ लोग मौके पर से भागने में कामयाब रहे। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी लोग अवैध हथियार से लैस होकर किसी अगली घटना को कारित करने के उद्देश्य से मधुबनी फोरलेन के समीप योजना बना रहे थे। इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रणधीर कुमार, गौरव कुमार, बिट्टू, प्रदीप और अभिषेक कुमार हैं, जो मनियारी थाना अंतर्गत कुढ़नी तुर्की ओपी के भी रहने वाले लोग हैं। इनमें से जो रणधीर कुमार हैं, ये पहले भी फ्लिपकार्ट लूट में जेल गए हैं और बिट्टू और गौरव भी पूर्व में जेल जा चुके हैं। अन्य व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक इन लोगों के पास से 2 अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 फाइटर, मोबाइल 6, 2 मोटरसाइकिल और 11,000 कैश बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना को पारित करने के लिए किसी अगली योजना में ये लोग थे और एक अगली घटना को होने से रोकने का जो इन लोगों ने ऑपरेशन किया उसमें पुराने कुछ कांडों का भी उद्भेदन हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो उद्भेदन हुआ है वो 9 सितंबर को खबड़ा फोर लेन के पास एचपी गैस एजेंसी में लूटपाट हुई थी। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि ये 5 लोग और जो इस लूटपाट की योजना बना रहे थे वहां से शामिल 4 लोग, इन सभी लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। बरामद रकम उसी से संबंधित होने की बात आई है। इनमें से कई लोगों का मोबाइल लोकेशन भी वहां पर आया है और इन्हीं हथियारों का प्रयोग संभवतः वहां किया गया होगा। वीडियो फुटेज से मिलान किया गया, जिनमें से कुछ लोगों का सत्यापन हम लोगों की दृष्टि से हो रहा है। उसका टेक्निकल जो सत्यापन है वो लोग भी हम लोग करवा कर कोर्ट में जमा करने की कोशिश करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण जो उद्भेदन और ऑपरेशन के लिए सदर थाना अध्यक्ष और DIU की टीम यहाँ पर है, ये लोग बधाई के पात्र हैं और उम्मीद है कि हम लोग आगे भी ऐसे आपराधिक लोगों को समय रहते पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे अगली घटनाओं को इफेक्टिव तरीके से रोका जा सके। लूट वाला कैश भी रिकवर हुआ है? हाँ, लूट का 11,000 कैश बरामद हुआ है, प्रयुक्त हथियार हम लोगों के पास है और कुछ अपराधियों का वीडियो फुटेज से मिलान भी हो जा रहा है। इनका कोई गिरोह वगैरह है सर? हाँ, ये लोग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 4 लोग मौके से भागने में कामयाब हुए हैं। पूर्व में भी ये लोग जेल गए हैं। हम लोग देखते हैं कि ये 9 लोग आपस में कब से एक दूसरे के संपर्क में हैं और किन किन और घटनाओं को इनके द्वारा कारित किया गया है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिले में भी इनका? अभी तक दूसरे जिलों में हो सकता है इन लोगों ने घटनाएं कारित की, लेकिन हम लोगों के पास जानकारी नहीं। जो घटना हुई थी एचपी गैस वाला, इसका क्या मतलब, क्यों? एचपी गैस एजेंसी में जो घटना हुई थी उन लोगों में इनका वीडियो फुटेज जिन लोगों का हम लोगों को आया था और कुछ संदिग्ध मोबाइल की लोकेशन आई थी, उसके आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा था और उसी के आधार पर ये लोग संदिग्ध रूप में सामने आए और ये योजना बनाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। तो जो एविडेंसेस उस कांड से संबंधित है उनको हम लोग कोर्ट में सबमिट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा अपराधी कौन? इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपराधी है रणधीर कुमार, जो पहले भी एक लूट के केस में जेल गया है और हम लोगों का अनुमान है कि यही अपने गैंग को संचालित करता है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।